तो वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। और गाइस आज की वीडियो में हम लेके आए हैं अनबॉक्सिंग नॉइस कलर अल्ट्रा 3 की अनबॉक्सिंग। नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 3 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इसको खोल के मतलब खोल के क्या ही अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कि क्या खरीदना वैलिड फॉर मनी है या नहीं है, अंदर क्या क्या मिलता है, क्या फीचर इसके साथ मिलते हैं और जिस प्राइस रेंज में आती है इससे बेटर भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, सभी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलिए फिर खोलना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये कुछ सा डब्बा है, तो मैं इधर वाले कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, इधर वाले कैमरे में दिखाता हूँ। तो गाइस देखो तुम्हारे लिए कितने कैमरे लगा रखे हैं। तो ये ऊपर के कैमरे वाला व्यू है। तो देखो ये है कुछ घड़ी का डब्बा, यहाँ पे बीटी कॉलिंग लिखा हुआ है। एमोलेड डिस्प्ले इसमें 1.96 एमोलेड डिस्प्ले 1.96 इंचेस की होगी शायद। और फंक्शनली क्राउन है, फंक्शनल क्राउन है, मतलब ये जो दिख रहा है तुम्हें फंक्शन वाला है। ये सामने तुम्हें घड़ी बनी हुई दिख रही है, नॉइस की ब्रांडिंग है। यहाँ पे कलर लिखा हुआ है कलर फिट अल्ट्रा 3 डिज़ाइन इन इंडिया, और तो हमें मालूम है कहाँ से आई है। और साइड में फीचर लिखे हुए हैं जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसके अंदर मेटेलिक बॉडी है। यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि उसके इतना प्रीमियम लुक मिलता है। 24/7 हेल्थ मॉनिटरिंग से मतलब एक हफ्ते तक तुम्हारी बैटरी चल जाएगी। स्लिप ट्रैकिंग है, SPO2 ट्रैकिंग है, और मतलब जो भी आलतू फालतू सटर चीज़ें रहती हैं स्मार्ट वॉच में वो सभी इसके अंदर हैं। और यहाँ पे देखो प्राउडली डिज़ाइन एंड मेड इन इंडिया, नॉइस की ब्रांडिंग है। यहाँ पे भी तुम्हें घड़ी देखने को मिल जाती है। तो अब देखो साइड में अपने विराट कोहली जी, इसके ब्रांड एम्बेसडर, जिनको ख़रीदने में बहुत सारा पैसा जाता है। तो मैं दिख रहा होगा ऊपर वाले कैमरे से भी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर फिट प्रो अल्ट्रा। और अब इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। बाकी बोस के पे और ज़्यादा कंटेंट तो कुछ है नहीं, जो है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं अपन। तो ये ओपन कर लिया है। तो खोलते से ही सबसे पहले आता है हमारा ये ऐसा सा रखा हुआ है जिसके अंदर आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क। देखो इसको अपन खोलते हैं तो अपन को ऋषभ पंत जी मिल जाते हैं सबसे ऊपर ही, ये ऋषभ पंत जी। तो ये है आपका वारंटी कार्ड, ये देखो वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए वारंटी कार्ड है ये। और ये कुछ कागज़ हैं इसकी, अगर आपको नहीं आता हो तो सीख लेना, बट हम तो दुर्रम इंसान हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे फेंकते हैं। ये रही हमारी घड़ी, इसके ऊपर खैर अभी बाद में आएंगे। सबसे पहले आते हैं ये चार्जर, जो कि हमने यार इसको पहले खोल लिया है तो ये फटा हुआ है, नहीं तो ये फटा हुआ नहीं आता है। तो यार ये रहा आपका चार्जर, ये देखो ये पोगो पिन वाला है, ये देखो ये तो मैं दिखा देता हूँ, ये पोगो पिन वाला चार्जर है वो। बाकी कुछ ऐसा ज़्यादा दम नाम है नहीं, बट सारे कंटेंट को रखते हैं अपन साइड में और आते हैं अपनी मेन वॉच पे। तो मैं इसको पीछे से खोल लेता हूँ। तो ये हमारी वॉच आ चुकी है बाहर। तो यार ये कुछ ऐसी सी अपनी वॉच है, तो मैं ये इसे हटाने में भाई सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं, टेक वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा मज़े यही चीज़ें करने में आते हैं। तुम देख सकते हो देखो पूरी मेटल बॉडी है, इस साइड में पावर बटन है, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ पास से। ये देखो ये वहाँ से ऑन हो जाता है, ये एक और फंक्शन बटन है, माइक है, और इधर एक तुम्हें स्पीकर मिल जाता है देखने को, ये स्पीकर है। और बाकी ऐसा कुछ खास बॉडी में है नहीं, पीछे सेंसर्स हैं और चार्जिंग पोर्ट है पीछे, जहाँ पे तुम्हारा ये वाला जो चार्जर है पोगो पिन वाला ये आके यहाँ पे लग जाता है। ये देखिए जी ये चार्जर ऐसा आके यहाँ पे ये फिट हो जाता है, जिससे तुम्हारी वॉच चार्ज हो जाती है। अब खैर ये तो तुम्हें आता होगा। अब इसको मैं करता हूँ टर्न ऑन और देखते हैं क्या कहता है। और टर्न ऑन करके मैं इसे सेटअप करता हूँ, सेटअप करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस वॉच ऑन कर ली है। तो देखो गाइस टर्न ऑन करते से इसने ऐसा ये QR कोड दे दिया है जिसको आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना है। उस QR कोड को आपको स्कैन करना पड़ेगा, उससे स्कैन करते से आपकी वॉच कनेक्ट हो जाएगी। तो गाइस QR कोड स्कैन करने के बाद ये ऐप डाउनलोड हो जाता है नॉइस का, इसमें आपकी अब वॉच आ चुकी है। अगर नहीं आती तो ये स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप वो जो QR कोड आ रहा था उसको स्कैन करके वॉच कनेक्ट कर सकते हो। मेरे को तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया अल्ट्रा 3, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टैप करके देखो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। और ये देखो वॉच की पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब वॉच पे ना एक राइट करके ऑप्शन आएगा जिसको आप टैप कर दोगे तो वॉच जो है वो अपने आप पेयर हो जाएगी। अब मैं वॉच पे आ गया, नोटिफिकेशन पेयर कर देता हूँ। और ये देखो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। अलो कर देते हैं इसको सारी चीज़ों से, गेट स्टार्ट कर देते हैं इसको और ये आगे बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं,
और आगे कंटिन्यू, यहाँ पे जो भी आपको चीज़ अच्छी है, देखो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगी कॉलिंग के लिए, तो वो आ चुका है पेयर करने का, और यहाँ पे पेयर करते हैं। फिर देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी इंटरेस्ट एक्टिविटी जो भी आपको व्हाट्सएप के साथ करनी है वो करके सिलेक्ट करके, बर्थ डेट कुछ भी डाल रहा हूँ मैं अभी, आप अपनी डाल सकते हो जो भी आपकी है जिसके कारण ये अच्छे से ट्रैक कर पाए। और यहाँ पे अभी मैं डालता हूँ, तो ये मैंने डाल ली बर्थ डेट। आगे करते हैं, जल्दी जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपनी हाइट डालनी पड़ेगी जो भी आपकी हाइट है, मैं अभी कुछ भी डाल लेता हूँ, और वेट भी कुछ भी लिख देता हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ। यहाँ पे आप अपना स्टेप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे देखो ये वॉच परफेक्टली हो चुकी है, 100% कनेक्टेड। देखो अब यहाँ पे राइट बन के आ चुका है, ये राइट हो चुका है मतलब कनेक्टेड हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसा सा ऐप का इंटरफेस है इनका। यहाँ पे आप यहाँ पे इधर नीचे स्क्रॉल करके बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे माई डिवाइस पे आ जाओगे, माई डिवाइस पे यहाँ पे आपको ऊपर वॉच फेसेस दिख जाएंगे, यहाँ से आप अपना वॉच फेसेस कुछ भी वॉच का चेंज कर सकते हो। ब्लूटूथ कॉलिंग से यहाँ पे आपको चालू करनी पड़ेगी कॉल अलर्ट और ब्लूटूथ कॉलिंग, जिससे आप डायरेक्टली वॉच से बात कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी हैं, और नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो अलग अलग एप्स की। नॉइस की ब्रांडिंग आ चुकी है, और देखो देखा तुमने कितनी जल्दी स्टार्ट हुई यार, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे देखो ये मतलब इसका वो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये देखो यहाँ पे क्राउन फंक्शनिंग है, ये तुम्हारा क्राउन चेंज हो रहा है, ये देखो ये क्राउन से सब कुछ तुम्हारा वॉच फेस से चेंज कर सकते हो। और मैंने तुम्हें दिखा दिया कि तुम ऐप से भी चेंज कर सकते हो यार, इसको तुम पकड़ के ऐसे रखोगे तो यहाँ से भी तुम ऐसे करके चेंज कर सकते हो, ये देखो ये ऐसे करके चेंज कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लगा सकते हो। यहाँ से ऐसे ऊपर स्लाइड करोगे तुम्हें नोटिफिकेशन शेड देखने को मिल जाएगा, यहाँ दिख जाएगा तुम्हें अपना बैटरी परसेंटेज और बाकी सारी चीज़ें, तुम अपनी ब्राइटनेस ब्राइटनेस देख सकते हो यहाँ पे, ये ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हो तुम इसे 5 लेवल की, इसमें ब्राइटनेस है ऑलमोस्ट, मतलब अगर धूप वाला दिन है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है यार। उसमें नाइट मोड लगा सकते हो, पावर सेविंग मोड लगा सकते हो, और बाकी अगर अपन बैक आते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखो इसमें सारे ऐप आ जाते हैं, नॉइज़ हेल्थ, नॉइज़ बज, क्लोक, और स्पोर्ट्स मोड, वेदर, सब यहाँ से इसमें तुम कैल कर सकते हो। कैलकुलेटर भी है भाई, स्कूल में ले जाना, चीटिंग करने का काम आएगा। खैर आते हैं अपन दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ से देखो तुम इसमें वॉच फेस डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी मैंने नहीं कर रखा है, तुम क्या चाहो तो कर सकते हो, मैंने तुम्हें ऐप में दिखाई दिया है कहाँ से करना है। यहाँ पर जैसे तुम हेल्थ में जाते हो तो तुम्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है, जैसे ऑक्सीजन, यहाँ से तुम इसका कर सकते हो अपना ऑक्सीजन ब्लड में कितना है वो देख सकते हो, स्लीपिंग ट्रैक कर सकते हो, ब्रीथिंग वाला तुम ये कर सकते हो, कितने बार सांस, मतलब कितनी कितनी देर में सांस लेनी चाहिए, एक्टिविटीज़ तुम्हें यहाँ थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्टेप्स है और वो भी जैसे बहुत सारी हैं, हार्ट बीट यहाँ से तुम चेक कर सकते हो। अब देखो अपन ट्राई करते हैं असली है कि नहीं, क्योंकि अगर ये इसने मेरी टेबल की हार्ट बीट बता दी है तो मतलब ये असली नहीं है, देखते हैं। तो देख लीजिए इसने एरर दे दिया है, बिकॉज़ ये अपन ने हाथ में नहीं पहन रखी, तो हाँ भाई सेंसर काम करते हैं सही है। और बाकी इसमें देखो यहाँ पे क्लॉक है, स्पोर्ट मोड है, रिकॉर्डिंग है, और बाकी तुम यहाँ से क्या इसे फाइंड फ्लैश लाइट है इसमें, और सेटिंग्स में तुम्हें जाएँ अपन तो सेटिंग्स में अपन को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, रिस्ट वेकअप मिल जाता है, आप अपना हाथ उठाओगे तो होगा ऑलवेज ऑन में डिस्प्ले, तो मैं दिखा दूँ मेरे को ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आ गए अपन पूरा बैक, और अब ये थोड़ी देर में देखना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे चला जाएगा, ये देखो इसका ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ ऐसा सा दिखता है, ये देखो जो कि थोड़ा बहुत हाँ ठीक ठाक अच्छा देखने को मिल लगता है दिखने में अगर कोई दूर से देखेगा, बट हाँ यार मैं इसको प्रेफर नहीं करता, अच्छा दिखे बट बैटरी खाता है यार, तो जब मतलब दिखाना ना हो तो बंद करके रखना। और बाकी इसकी सेटिंग्स में बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, बट यार स्टिल स्मार्ट वॉच है और ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा बड़ी नहीं है। यहाँ से तुम अपने इसके अंदर कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हो, और कॉन्टेक्ट अपने कॉन्टेक्ट जितने भी हैं उनके पास यहीं से फ़ोन लगा सकते हो, तो यहाँ से तुम अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं तो गाइज ये यहाँ से तुम अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन सबको फ़ोन लगा सकते हो, ये यहाँ पे देखो आ चुके हैं, और ये नॉइज़ बज़ में जो तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ से तुम अपने कॉन्टेक्ट में यहाँ से हो जाते हैं फ़ोन, उसे जो मैंने तुम्हें ये बताया उसमें से कॉल हिस्ट्री यहाँ से तुम देख सकते हो, और डायलर पेड यहाँ पे से तुम खोल सकते हो जिससे तुम डायल करके भी नंबर दबा सकते हो, किसी को भी कॉल लगा सकते हो। इसके अंदर स्पीकर भी है तो यार तुम इससे बात भी कर सकते हो, मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग एकदम डायरेक्टली यहाँ से फ़ोन उठाओगे और वो यहाँ से बात कर सकते हो। वर्कआउट है इसमें, बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं यार, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और बाकी तो तुम्हें देखना पड़ेगा, इसको ख़रीद लो अगर अच्छी लग रही है तो। और इसमें म्यूज़िक वाला मोड भी, जैसे अगर तुम अपने फ़ोन में कुछ म्यूज़िक चलाते हो तो वो यहाँ से तुम कंट्रोल कर सकते हो, और वेदर है, वेदर देख सकते हो, मतलब नॉर्मली यार जो भी तुम एक स्मार्ट वॉच से कर
एक्सपेक्ट करते हो वो सभी फीचर्स के अंदर तुम्हें मिल जाते हैं, कैलकुलेटर वैलकुलेटर, और बस यही है इस घड़ी में। और ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेशल खास मतलब कुछ ऐसा फीचर्स नहीं है, हाँ बट यही है मिनिमल लुक है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा कम रेट में आती है। ब्लूटूथ कॉलिंग प्रोवाइड करती है, IP68 रेटिंग है इसकी, जो कि बहुत ज़्यादा इस प्राइस रेंज के अंदर अच्छी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आपको यह घड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। इसे खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है, मैंने इसके अंदर जो कुछ भी था वो आपके सामने ला के रख दिया, एकदम होनेस्ट रिव्यू और एकदम होनेस्ट अनबॉक्सिंग। और बाकी अगर ये जो मेरे हिसाब से मानो तो यार ये प्राइस रेंज के अंदर आने वाली बेस्ट चीज़ है, क्योंकि यार इसके अंदर जो फीचर मिल रहे हैं वो आते हैं दूसरी घड़ियों उसमें भी इसी रेंज में, बट ना वो घड़ी में ना तो क्वालिटी रहती है कुछ ज़्यादा ना कुछ रहती है। इसका पूरा मेटल बिल्ड है ये पूरी, और मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी, मैंने कि आप लोगों को भी दिखना चाहिए। तो यार अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यार बहुत दिन से इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो यार चैनल थोड़ा डाउन जा रहा है, तो यार अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और करवा दो यार आसपास वालों से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।